कि राजगति जो मुझे मिलना चाहिए था वही राजगति हमारे छोटे भाई नहर जी को मिल गई। हमारी माने शेरा मतवर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई को राजगति पर बिठा दिया और मुझे मट्टी का पत्ते दिया, इसीलिए मैं चूर होया कि अब मैं क्या करूं और किस तरह से उसे बताऊं। और मैं लगता है कि अब तो मैं अपने हीरागढ़ की महारानी नहीं बना पाऊंगा, इसे राम करी तब अब महारानी बने का सपना छोड़ो, अपने कोठे पे रहो और मैं तुमसे इसी तरह मिलने आया करूंगा। राम करी ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। घबराओ नहीं, राम करी के कोठे पर आए। देखो राम करी, मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया हूँ, अब मैं लगता हूँ मुझे बात नहीं बन पाऊंगा, इसलिए अब तुम ये इरादे छोड़ो। आप नाकाम हो गए लेकिन राम करी नहीं नाकाम हो सकती, क्योंकि मुझे महारानी बनना है। आसानी से आप जहाँ के महाराज भी बन जाएगी, मैं महारानी भी बन जाऊंगी। कैसे? मैं बताऊंगी, करना तो नहीं होगा, एक तीर से दो निशाने होंगे। बोलिए करना क्या है? अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है तो जाकर के अपनी माँ का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो तेरा पति अमर सिंह। इस मुल्क का राजा आपका भाई बना हुआ है नाहर सिंह, उसके हाथ से मौत की सजा दिला दो, एक तीर से तो निशानी हो जाएंगे, पत्ते पे नाहर से तो मिटा करके इस मुल्क के राजा बन जाएंगे और मैं महारानी बन जाऊंगी। सोच लो समझ लो राम जी, तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो और जिस माँ ने मुझे पैदा किया हो उसी उस माँ को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं राम करी, ये काम मैं हद नहीं करूंगा, चाहे तुम हीरा गति महारानी बनो या ना बनो, और मैं चाह रहा हूं आज के बाद तुम्हारे कोठे में नहीं आऊंगा, तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो, मैं चला। है क्या होता है? राम करी के कोठे से जाओगे तो बहुत पछताओगे, तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा, कभी इस मुल्क के राजा नहीं हो पाएंगे। उसी माँ की बात कर रही हूँ जिस माँ ने रियासत के सामने नजरों से गिरा दिया तुम्हें, उसी माँ की बात करती हूँ जो दूसरे किसारे पे काम करती है। अरे कौन सी माँ की बात करते हो, भूल जाओ माँ की ममता को और मिटा दो उस बुढ़िया को, अगर राजा बनना है तो एक तुच्छ नौकर के कहने पे चलने वाली माँ बेटे की नजर में कोई इज्जत नहीं है, उस माँ की बात करते हो? भूल जाओ माँ की ममता, अगर राजा बनना है तो मिटा दो बुढ़िया को, रास्ते समझ में आ जाएगा। रागई में राम गई तो मैं सत ही कहा है कि वो माँ कैसी हुई छपरे औलाद को नहीं हुई, तो औलाद कैसा है छपरी माँ का होगा, माँ उस बुढ़िया को अपने रास्ते से जरूर हटाऊंगा और शेरापत अमर सिंह में खून का इल्जाम भी लड़ाऊंगा, ये मेरा वादा है और जब तक ये काम नहीं करके आऊंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। हाँ भैया, एक आवश्यक सूचना, हमारे घर मालिक तक आवाज पहुंच रही है तो भैया दो मिनट के लिए हमारे श्रृंगार घर में आने कष्ट करें, घर मालिक भैया।
काम करने के लिए तैयार हो गए। अब लाइन पे आ गए, दिल्ली आराम से गाड़ी पहुंच जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बनेगा राम कली से दिमाग लेते रहेगा। दिल्ली नहीं, अब हम तुम्हें लंदन की सैर कराएंगे। महारानी बनना मुझे है और पढ़कर दिखाऊंगी। लेकिन तुम घबरा जाते हो तो मेरे दिल से पूछो कि रामकली के दिल पे क्या होता है। रामकली है और कहीं मैं तुम ही तो हो मेरे हर मर्ज की दवा। तुम्हारी बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगता है। आओ मौज मस्ती कर लो, उसके बाद चले जाओ। एक बार मेरे सीने से लग जाओ ना। चलो अरे जी घबराता है, आंख भर आती है। जी घबराता है, आंख भर आती है। जरूर है तो मेरी जान निकल जाती है। जी घबराता है। यही चल रहा है तो तुम राजा ना बन पाए। तुम राजा बने के जुगाल जिगा रहे हो यहाँ। कहा तो रहे तू रुपया का मुखान। अरे तो वो साली महंगी है तुम्हारे लिए। ये तो हमारी जान है यार। वो सही नहीं रही है लगवा। मेरी राम कली, मेरी राम कली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। अच्छा, लेकिन ये सच है कि मैं ये खोलूंगा। आराम घर साले, अपने नापाक हाथ हमारे राम लाल के जिस्म में कैसे लगा दिया रे? लगाओ लेन माने हम आमे के पेड़ के नीचे खड़े हैं। अच्छे तुम सी का भरा है आज के हमारे हाथ में चुई का तो हम चूसब तो भाई। तुम साले ने छुटे नियत लगाए हो कि मौका मिल जाए तो हम भी ये धन जाएगी। और मैं आपके आने की इंतजार करूंगी। जिस दिन ये काम करके आएंगे पुतिन, आप अपनी दुल्हन बना के अपने राजमहल ले जाएंगे। सारा काम आसान कर दीजिए। छोड़ने के दिल नहीं करता कि तुम्हें छोड़कर चला जाओ। मेरा भी तो दिल नहीं कर रहा है। यही लगता कि तुमने सीने से सिर्फ लगाए रखो। कैसे कहूँ कि छोड़ के चले जाओ मुझे। अरे छोड़ के
क्या करो देखो हमारे दुकान लगाओ जो कहो 150 जी 150 रंजी हम तुमका कहा पैसा लियो व्यवस्था करो इनके चक्कर में ना पड़ो हमका ध्यान दो पैसा लियो चीर को कहीं का 50 रुपए लेकर आए तो सब्जी खरीदे यार क्या वो हम बेच के आई है वहाँ पैसा पावा बस केवल 50 रुपए हम अकेले नहीं ना हम हूँ ये 25 ऐसा करो भैया तुम्हारे अंदर तमन्ना है कि राम कली से एक बार मुलाकात हो जाए का करी हनुमान तो है ना किसी ना चीज के दिखाई तमन्ना बहुत बड़ी घबरा नहीं वो तमन्ना तुम्हारी अवश्य पूरी कर दूंगी वो खांसी तुम्हारी अवश्य पूरी होगी लेकिन चाहर सिंह के कहने पर काम करते रहो अगर कहीं भी डिसमिस हो रहे ना तो उनको लाइन पे आते रहना ठीक है उनके कहने पे काम करते रहो उनको तरकीब बताते रहो और जिस दिन इस मुल्क की महारानी बन जाऊंगी उस दिन तुम्हारी खासी अवश्य पूरी कर दूंगी पक्का पक्का तुम अगर कही हो घामे में बैठ रहा तो हम घामे में बैठ रहा अगर पूंछी में कही हो पूंछी में बैठ रहा ये तक कही हो तक कर लेकिन ध्यान दे अवश्य ध्यान कर लेगी अच्छा घबराओ नहीं हेलो इसी के साथ साथ आगे दुर्गा शक्ति दुर्गा दूरी मत जइहा दूरी मत जइहा दूरी मत जइहा तोहरे खातिर दे बया अपन जान भो तोहरे खातिर दे बया अपन जान भो नजरिया राम का नेतृत्व बतलाया है कहा अगर तुम्हें सम्राट बनना है तो तुम सबसे पहले अपने माँ का खून कर दो और माँ का खून तुम करो और खून का इल्जाम सेना पता पर सिर पे लगा दो कैसे होगा खून तुम करोगे इल्जाम सेना पद पे लगे वही ये तो हम भी सोच रहे हैं अगर खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम मुझ पे लगेगा अब सीख तो इसलिए कोई तरकीब तुम निकालो कि खून मैं करूं और खून का इल्जाम शेरा बदम सिर पे लगे क्या मतलब खून तुम करो सेनापत को फंसाना चाहते हो हाँ तरकीब है इसी वक्त सेनापत के बंगले चलो और सेनापत का कोई हथियार चुरा लो और उसी हथियार से अपनी माँ का खून करो और सेनापत के हथियार को वहीं पे कहीं छुपा दो अगर हथियार पकड़ा गया तो खून तुम करोगे और फंस जाएगा अमर सिंह बात खाओ जी भाई इसका मतलब कि एक चीज है थोड़ी सारी तो चला देर करने का वक्त नहीं हो चले हम करते हैं इसी वक्त अमर सिंह के बंगले पर और ऐसा कोई हथियार चुरा दे आओ जी